हाँ, हम पहुँच ही गए हमारे नए घर में। तुम दरवाजा खोल सकती हो, पर पहले तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी। मैं चाहता हूँ ये सरप्राइज हो। हाँ, अच्छा आइडिया है, तो चलो। याद से झांकना मत। हाँ सच में मत ही देखो। पंगे मत लो एलेक्स। ये कैसा मजाक है? ब्रोशर में तो ये ऐसा नहीं दिखता था। हाँ, इतना गंद भी नहीं था, दीवारों में छेद भी नहीं थे। ये क्या बकवास है, हम यहाँ नहीं रह सकते। अब हम क्या करें? कोई बात नहीं, घबराओ मत, मुझे ऐसा चैलेंज बहुत पसंद है। हमें बस इसे साफ करना है। पहले इस बॉक्स को उठाएंगे। बहुत कुछ करना पड़ेगा, पर शुरू करते हैं। कुछ भी छूने से डर लग रहा है। याक, इन स्पाइडर वेब्स को तो देखो, कितना गंदा है। अरे चलो भी, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये कोई मजाक नहीं है एलेक्स, मुझसे गलती हो गई। हाँ भागो यहाँ से, ये काम नहीं कर रहा। वो ये कहाँ से आ गया? ऐसा सामान कौन रखता है? ओह हाँ, मजा आ गया, मेरे गेंद्स तो देखो। फिर बहुत मेहनत का काम है, पर साफ तो हमें ही करना पड़ेगा। बस हो ही गया। मैं समझ गई, अब ये बेहतर लग रहा है। ये वॉलपेपर भी बहुत अच्छा है, मैंने ये पढ़ा है। ठीक है, हो गया। ठंड लग रही है, हमें इस होल का कुछ करना होगा। मुझे लगा ये खिड़की है, बस काफी छोटी है। ये ठीक नहीं है, हमें इसका कुछ करना होगा। पर क्या? रुको, लगता है मैं समझ गया, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? ये देखो, हम इससे अपनी दीवारों को सजा सकते हैं। सुंदर है ना? चुनना मुश्किल है, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे इसे दीवार पर इमेजिन करना होगा। सारे ही अच्छे हैं, जो मर्जी चुन लो। ये वाला चलेगा। अरे वाह, बहुत तेज हवा है, इससे ही रुक जाएगा। ये काफी बेहतर है, ये लो, चलो और चिपकाएं। ये बहुत सुंदर दिखेगा, ये न्यूज़पेपर से काफी बेहतर है। कम से कम ये कलरफुल है और देखने में भी कुछ दिलचस्प है। अब घर जैसा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा अलग है पर प्यारा है। तुम क्या सोचते हो एलेक्स? बहुत बढ़िया, पर हमें कुछ और भी चाहिए होगा। ओह मुझे पसंद आया, हम इन्हें दीवार पर लगा सकते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है, और ये सब किसे पसंद नहीं होता। वाह, एकदम जादुई लग रहा है। हम रोज स्टार्स देख सकते हैं, इससे बेहतर और क्या होगा। बस ये आखिरी है। वाह, दो ताली। उप्स, लगता है हमें और टेप चाहिए। तुमने कुछ कहा? क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, अपनी आंखें बंद करो। ठीक है, ये हो क्या रहा है? बंद ही रखना, इतना समय कहाँ लग रहा है। क्या कर रहे हो एलेक्स? थोड़ी परेशानी हो गई, जितना सोचा था ये तो उससे भी मुश्किल है। क्या? मैं मदद करती हूँ। शुक्रिया। ये क्या गड़बड़ है? हाँ, ये रहा एक कोना, चलो इसे सुलझाएं। वो मुझे चक्कर आ रहे हैं। तुम ठीक तो हो? नहीं, लगता है मुझे उल्टी आ रही है। रुको, मैं ठीक हूँ, मुझे लगा था हम ये इस्तेमाल कर पाएंगे। हाँ सोच तो अच्छी है, चलो इन्हें दीवार पर लगाएं। बस थोड़ा सा और, पहुँच ही गए। मैं पहुँच नहीं पा रही। अब मेरी बारी है, लाओ दो। मैं इसे यहाँ टांग देता हूँ, उम्मीद तो है लग जाए, पर स्ट्रेच करना होगा। नहीं हो रहा, क्या बकवास है, माफ कर दो लूना। ये तो परेशानी की बात है। रुको, मैं समझ गया, मुझे गिरा मत देना। बस पहुंच ही गई। बहुत बढ़िया, जल्दी करो। हे, सीधे रहो ना, ये आसान नहीं है। लगा दो। हो गया? हाँ बिल्कुल। हम तो गए। आउच, दर्द हुआ। एलेक्स देखो, वाह खूबसूरत है। हाँ सच में, इससे अच्छा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, कितना रोमांटिक है। हाँ मैं जानती हूँ, देखो कभी कभी मैं अच्छे आइडियाज लेकर आता हूँ। मैं इसे पूरी रात देख सकता हूँ,
वो इतना ब्राइट, चलो वापस काम पर लग जाए। लूना, तुम्हारी नाक पर कुछ लगा है, किस बारे में बात कर रहे हो? ओह, ये गंदा है, ये नहीं चलेगा। मैं समझ गया, ये काम आएगा। तुम्हें ये मिरर कहाँ से मिला? मैं इसे साफ कर देती हूँ, जरा रुक जाओ। ये बेहतर है, अब मैं खुद को देख सकती हूँ। और ये डर्ट हटा देती हूँ। अरे यार, ये तो बहुत ज्यादा लगी है। हाँ हाँ, हो गया। अच्छे लग रही हो, मैं मिरर को यहाँ रख देता हूँ। ध्यान से, बस ये टूट ना जाए। ये जगह सही है ना? बुरा नहीं है, मतलब बाल ठीक करने के लिए तो चाहिए ही। एलेक्स, मिरर पकड़ लिया। बाल बाल बचे। हाँ, अब ये ठीक है। एकदम आराम से हाथ निकाल लेता हूँ। हे एलेक्स, हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा, उप्स, इससे मिरर टिका रहेगा। हाँ, अब रख दो। इससे काम बन गया। तुम अब यहीं रहो। कहाँ जा रही हो? मुझे गार्डन से कुछ चाहिए। हम इन वाइंस को मिरर पर लगा सकते हैं। जैसा तुम कहो। भरोसा रखो, मैं जानती हूँ क्या करना है। ये देखो, बढ़िया लग रहा है। हमें ग्रीनरी की भी जरूरत है, मदर नेचर के साथ जुड़े रहना चाहिए। कैसा लगा? मुझे बहुत पसंद आया, पर मेरे पास एक और आइडिया है। और वो क्या? हमें और लाइट्स चाहिए। लाइट्स जितनी भी हो कम है। जरा इन्हें देखो, ये कितनी कोजी है। मैं इन्हें मिरर पर भी लगा दूंगा। हो गया, कितना बढ़िया है ना? एक और काम पूरा हुआ। रुको, अब तुम क्या कर रहे हो? मुझे इसे हटाना होगा। एलेक्स, बहुत आवाज है। मुझे और एक्सरसाइज करनी चाहिए। हाँ, अब आगे नहीं जाएगी। एलेक्स, अरे यार, ये देखो, इसमें क्या बुराई है? अब मुझे तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा। देखो इसमें कितनी मिट्टी है, और देखो कितना गंदा है। मैं अपना सूटकेस लेकर आती हूँ। तुम जा रही हो? बिल्कुल नहीं, मुझे बस इसमें से कुछ चाहिए। अब ये शीट क्या करेगी? हम इसे इससे कवर कर देंगे। अब कोई नहीं कह सकता कि इसके ऊपर कुछ लगा है। वैसे तो ये चीटिंग है, पर कोई बात नहीं। एलेक्स, तुम ये इनके साथ क्या कर रहे हो? सोचने दो। एक मफिन ट्रे और एक ग्लास। मैं समझ गई, पहले ट्रे में ग्लासेस रखेंगे, ये इन्हें रखने के लिए सही जगह है। अब इन्हें फिल कर देते हैं। मैं तुमसे आगे हूँ, ये परफेक्ट है। इसमें हमारे सारे पेन्स और स्टेशनरी का सामान आ जाएगा। और ये फ्लेमिंगो लैंप यहाँ रखते हैं, और ये स्टार लैंप यहाँ। हमें कडली टॉयज भी चाहिए। तुम कितने प्यारे हो, मुझे यूनिकॉर्न्स बहुत पसंद है। मैं इसे हग करना चाहता हूँ। और हमें पिलोस चाहिए। अरे हाँ, इन्हें यहाँ रख दो। अब हमारे पास बैठने की जगह है। क्या दिन था, आराम कर अच्छा लगता है। हम अपने बैग्स कहाँ रखें? मैं समझ गया, जरा रुको, मुझे एक कॉल करना है। कितना बोरिंग दिन है। ओह, कोई मुझे कॉल कर रहा है। हेलो, हे, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एलेक्स के लिए स्पेशल डिलीवरी। वाह, इतनी जल्दी, हमें यही तो चाहिए। ये काम कर जाएगा, इसे दीवार पर लगाएंगे और हम इनके ऊपर बैग्स टांग सकते हैं। ये परफेक्ट है, थैंक्स एलेक्स। ये रूम कितना बेहतर लग रहा है, विश्वास नहीं होता। हमने बहुत अच्छा किया, इतनी मेहनत रंग लाई, कितना अलग लग रहा है। हमारा नया घर, क्या जगह है। चलो मुझे फिस्ट बम्प दो। तो अब क्या करें? ओह, हमें दोस्तों को बुला लेना चाहिए। पार्टी करनी है, मजा आएगा। बस एक सेकेंड। हे, तुम्हें हमारे यहाँ आना चाहिए। ओह, सोडा बबल्स दीप पर टिकल करते हैं। तुमने तो कमाल कर दिया, ये वॉलपेपर बहुत प्यारे हैं। हे क्रिस, बस एक मिनट, मैं खुद को देखने में बहुत बिजी हूँ। ओह, इसके पीछे कौन है? ये नहीं करना, वॉलपेपर से दूर रहो। तो चलो पार्टी करें। बिल्कुल।
साफ है और हमें यहाँ कुछ करना होगा। हाँ चलो काम पर लग जाए। सबसे पहले सफाई करेंगे। तो चलो, यहाँ इतने सारे बॉक्सेस क्यों है? किसी ने इस रूम को कचरा घर बनाया हुआ था। यहाँ पर स्पाइडर वेब्स भी हैं। शुक्र है स्पाइडर्स नहीं है। कितना स्टिकी है। ये लो मेरी उंगलियों से हटो। फिर हमने कर दिखाया, अब ये जगह एकदम साफ हो गई। बहुत काम था, मैं बहुत थक गई हूँ। ये सब छोड़ो, मैं तो सोने वाली हूँ। मिकी सो गई, यही मौका है। मैं इन सीढ़ियों से ऊपर बेड और बेडरूम की तरफ जाती हूँ। मैं आ ही गई। फिर बिल्कुल शांति से जाना होगा। मैं बहुत धीरे धीरे पैर रखूंगी। ठीक है, इस बॉक्स में क्या है? कुछ ऐसा जिससे मुझे गर्माहट मिले? कुछ नहीं है, देखते हैं। ओह, ये फैब्रिक कैसा रहेगा? शायद ये काम आए। आइडिया आया। हाँ, इस फैब्रिक को यहाँ रखेंगे और रूलर निकाल लेंगे। मार्कर से सीधी लाइंस बनाएंगे। ये देखो, अब इस पर हमने चेकर बोर्ड का पैटर्न बना लिया है। अब हमारे पास ये प्लास्टिक और मेरे यार्न कलर्स हैं। पहले इसके आसपास यार्न लपेटेंगे, इसे पूरे स्टिक को कवर कर लेंगे। अब इस पर हॉट ग्लू लगाएंगे। इसके कोने पर हॉट ग्लू की पूरी लाइन खींचेंगे। अब इसके ऊपर यार्न स्टिक लगाएंगे, इसे टिका दे और इसके बाद कैंची से इस यार्न को काटते जाएं। पूरे फैब्रिक पर ऐसा ही करेंगे। हाँ, पूरा फैब्रिक कवर हो गया। इसे थोड़ा फ्लफ अप कर देंगे। अरे वाह, जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा अच्छा बन गया। कितना कॉम्फी और सॉफ्ट है। वाह, विश्वास नहीं होता ये तुमने बनाया। थैंक्स, मुझे लगा हमें यहाँ कुछ सॉफ्ट चाहिए होगा। हाँ, मुझे नहीं लगता हमें आइसक्रीम बारबेक्यू करनी चाहिए। हाँ क्या, ये आवाज कैसी है? मैंडी, तुम जाग रही हो? देखो मैं क्या लाई, बीन बैग चेयर्स, ताकि हम इनके ऊपर बैठ पाए। वो ये क्या है? ये हिल क्यों रहा है? हमें यहाँ से निकलना होगा। जल्दी उन सीढ़ियों पर चढ़ जाओ। रुको, ये यहाँ भी हिल रहा है। हो क्या रहा है? शायद भूकंप। चलो भी, हमें यहाँ से निकलना होगा। वो ये क्या है? हे, यहाँ तो क्लब पार्टी हो रही है। कम से कम ये भूकंप तो नहीं है। मैंडी, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं ये बलून्स ले जा रही हूँ। क्या? चलो वापस सीक्रेट रूम में चलते हैं। फिर यहाँ बहुत शांति है, काफी बेहतर। और मैं ये बलून्स भी ले आई। हाँ चलो अब काम पर लग जाए। ये रहा एक बड़ा प्लास्टिक बैग, मैं इसके अंदर बलून्स डालूंगी, सब फिट आ जाएंगे। ये आखिरी है। अब अच्छे से बैग को बंद कर देंगे। इस प्लास्टिक हब की कैप को हम निकाल देंगे। अब इसके अंदर की सारी हवा हम इस वैक्यूम से निकाल लेंगे। ये देखो, अब इस बैग की सारी हवा गई। अब बस इस पर कैप लगा देंगे ताकि हवा बाहर ही रहे। ये देखो, मुझे एक बढ़िया बीन बैग चेयर मिली और एक बलून ऑटोमैन। कितनी जबरदस्त पार्टी है। फायर सबसे अच्छा एलिमेंट है। यहाँ कितना आराम मिल रहा है। हे मैंडी, कमाल की पार्टी थी, मैंने बहुत अच्छा समय बिताया। वो ये क्या है? तो तुमने मेरा बलून फर्नीचर देख लिया? अच्छा है ना। खैर मेरे पास भी बलून है और देखो मैं इसे जला सकती हूँ। जो भी है। हे मैंडी, ये बहुत तेज है। मैंडी रुको इसे। क्या हुआ मिकी? मुझे इतनी बढ़िया हीट की वजह से तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही। मजा आ गया। ये चिप्स अच्छे है। वो ये क्या? ये बॉक्स तो चल रहा है। ये रहा एक कमाल का बॉक्स हमारे सीक्रेट रूम के लिए। ठीक है, बढ़िया है ना? सुनो, इसकी चिंता मत करो विकी, मैं इसका ख्याल रखूंगी। पहले पेंट का कोट कर देते हैं। हाँ, अब इस तरफ के लिए ऑरेंज करेंगे। लो, अब इन्हें छोटे पीसेस में काटेंगे। अब इसे बॉक्स के साइड्स में लगाएंगे। इनके बीच में थोड़ी जगह छोड़नी है, तब ये ब्रिक्स जैसी दिखेंगी। थोड़ा आगे पीछे लगाएंगे ताकि ये असली लगे। हाँ बस आखिर में यहाँ एक और लो, कुछ पार्टी लाइट्स, क्योंकि लाइट से ये और मजेदार हो जाएगा। ब्राउन पेपर लेकर उसे ब्लैक पेंट करेंगे। ये सूख गया है तो हम इसे थोड़ा क्रम्पल कर सकते हैं। इस कैंडल को जलाएंगे। देखो कितना सुंदर है। देखो मेरी फायर प्लेस बन गई है। अब सब कुछ कितना कोजी है। ये क्या? हाँ मैं श्योर नहीं हूँ, पर मुझे भी लगता है कुछ करना चाहिए। क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? हाँ बिल्कुल, चलो पेंटिंग करें, मेरे पास स्टेंसिल्स है। अरे वाह, मेरे पास भी स्टेंसिल्स है, प्लेन वाले। कूल है ना? ये तो बहुत कमाल के लग रही है। हम बहुत स्मार्ट है। जरा ये वाला तो देखो,
ओह कितना प्यारा है। हाँ ये फ्लेम भी अच्छी लग रही है। हाय हाय हम इसमें माहिर हैं। चलो सफाई शुरू करें। बस यहाँ स्पाइडर्स ना हो। तुमने आखिरी बार सफाई कब की थी? मैं सो रही हूँ। सब हो गया। चलो भी मुझे ये पिलो दो। हे मैंने लिया हुआ था। सोना बंद करो। आउच ये लो। अच्छा बस करो मैं मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। इस कमरे को तो देखो पहले से भी बुरा हो गया। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। पहले एलईडी स्विच दीवार पर लगाएंगे और यहाँ पर ये अच्छा दिखेगा। मुझे टेप चाहिए। यह आसान था। अब एक मजेदार हिस्सा। पिलो स्टफिंग को टेप पर चिपका देंगे। इससे एलईडी स्विच ढक जाएगी। इतना फ्लफी लग रहा है। मेरे चेहरे पर कुछ है। शुक्रिया। ता-दा! वो ये क्या है? ये क्लाउड लाइट है। कितना रिलैक्सिंग और पीसफुल है। हाँ बहुत खूबसूरत है। वाह तुम तो जीनियस हो। स्क्विशी है। कितना प्यारा रेनबो है। हेलो काश हमारे पास असली केक होता। हे तुमने केक की बात की। जरा इसे देखो। वाह क्या बात है। ये मेरे टॉय जैसा है। काश मेरे पास असली केक होता। रबरी तुम बहुत फनी हो। ओह मैं कुछ भूल गई। एक मिनट में आती हूँ। लगता है अब तुम और मैं ही बाकी है केक। बहुत ही शर्म की बात होगी अगर तुमसे कोई एक बाइट ले लेगा। बस एक छोटा सा पीस। किसी को पता नहीं चलेगा ये मैंने किया। मेरे पास आओ। तुम क्या कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो बस केक पर मक्खी देखी और मैं अब ये खाने वाली हूँ। मैं चाय तो भूल ही गई। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता केक। मैं बस तुम्हें खाना चाहता हूँ। सच में अब तो तुम गए। मैं जानता हूँ ये लो। मैं तुम्हें एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ सकती। कि मुझे दो। इसे छूना भी मत। ये आइसिंग ये फ्रॉस्टिंग मुझे यही चाहिए। एक कप चाय और एक केक का स्लाइस। मेरा केक क्यों? तुम किस बारे में बात कर रही हो? शांत रहो उसे कुछ भी नहीं पता। ये तो रहा। देखो तुम मुझे कहना चाहते हो ये मेरा केक है। बिल्कुल ये रहा रेनबो और केक। तुम ये कैसे कर सकते हो? मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ ये काम आएगा और ये दोनों मेरे काम आएंगे। क्या स्वाद है। हम एक टॉय केक और रेनबो लेंगे और उन्हें साथ में जोड़ देंगे। अब इन्हें पेंट करेंगे और इसे मेरे केक की तरह बनाएंगे। कितना टेस्टी लग रहा है ना? अब बदला लेने का समय है। हे, ये तुम्हारे लिए है। सच में वाह क्या दिन है। शायद ये ज्यादा पक गया है। वो इसे खाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये अच्छा केक नहीं है। अब क्या करें? खैर मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं। ओह एक बफे। हटाओ इसे। मैं उसके पास नहीं जा रही। रुको डिनर टाइम हो गया। जाना होगा। वापस आओ। तुम्हें क्या हो गया है? आओ ये क्या है? इतना कार्डबोर्ड कहाँ से आया? रुको मैं ये इस्तेमाल कर सकती हूँ। चलो चलिए मुझे अपने अंदर का आर्टिस्ट निकालना होगा। तो ये है पासपोर्ट। हाँ छोड़ो मैं कार्डबोर्ड पर लाइन बनाऊंगी। रेस को ये पक्का पसंद आएगा। टैलेंटेड होना भी मुश्किल का काम है। काटना शुरू करते हैं। नहीं हम दोस्त बन जाएं। हाँ ये अजीब था। ओह ये अच्छा लग रहा है। मुझे इसे साथ में जोड़ना होगा।
इन कट्स की मदद से ये साथ में बहुत आराम से जुड़ जाएंगे और मजबूत भी हो जाएंगे। इस शीट को कार्डबोर्ड पर डाल देंगे। ग्रेस के लिए एक नया कोच और इस पर पिलोज भी रखने हैं। कितना क्यूट है, कितना बढ़िया लग रहा है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, ये माउस बहुत गुस्से में है। रुको, मैं वेजिटेरियन हूँ। बाय। बाल बाल बचे। ओह, ये बढ़िया चीज है। इधर गर्मी है। कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ है। तुम्हें सोडा चाहिए? ये हुई ना बात। अच्छा है। उप्स, मैं कितनी बुद्धू हूँ। काश यहाँ टेबल होता। कोई बात नहीं, पिछले हफ्ते मैंने उसके ऊपर नूडल्स गिरा दिए थे। नूडल्स याद आया, मुझे एक जगह पता है, हमें जरूर चलना चाहिए। कुछ मिसिंग है। नहीं, ये कौन थी? ये टेबल सही रहेगा? नहीं, मेरी मदद तो कर देती। हाँ, समझ गए प्यारी दोस्त, मैं तुम्हारी बाइक ले सकती हूँ। मैं तुम्हें ये बड़ा सा चॉकलेट बार दूंगी। ये लो। तो मैं अब ले लूँ? नहीं, तुम तो काफी अच्छा नेगोशिएट करते हो। तो फोन कैसा रहेगा? बढ़िया, अब मुझे दे दो। ठीक है, ये मेरा फाइनल ऑफर है। बिल्कुल। वो क्या हो रहा है? ये मुझे दो। तुम अपनी बाइक ले जा सकती हो, अपने ही समझो। कितनी अच्छी फैमिली है। चलो चले। पहले हम इस बाइक को गोल्ड पेंट करेंगे। इसे क्लासिक दिखेगी। कोई स्पॉट मिस नहीं होना चाहिए और व्हील्स भी। अब इस पेंट को सूखने देंगे। एक ग्लास की शीट ऊपर रखेंगे। बन गया एक फन टेबल। मुझे नूडल्स ऑर्डर करने चाहिए। और कुछ है? ये क्या है? वाह, मेरा खुद का टेबल, कमाल का है। रखो, हमें स्नैक्स चाहिए ना? ये है पॉपकॉर्न। हमारा टेबल आ ही गया और ये नूडल की जगह है, हमें पसंद आएगी। तो तुमने देखा, मैं कमरे सजाती नहीं हूँ, ये टीवी का ही मैजिक है। तुम्हें कोई बदबू आ रही? तुम्हारे पैरों से बदबू आ रही है। पर ये तो रग है, मैं वैक्यूम करने वाली थी, पर मेरे पास है नहीं। हमें इसका कुछ करना होगा। हाँ बिल्कुल, पहले हम कचरा साफ करेंगे। पॉपकॉर्न की बारिश, मुझे लगा मेरे ग्लासेस गुम गए। मैं देख सकती हूँ कितना कचरा है। बढ़िया, मुझे कपड़े भी धोने हैं। हे, मैं खाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे पकड़ो। बहुत हुआ, अब मैं जा रही हूँ। निकलो यहाँ से। शुक्र है खत्म हुआ। मुझे सोचने दो। ओह, समझ गई। ये किससे बात कर रही है? पहले रग पर टेप लगाएंगी, सेक्शंस मार्क करेंगी और रैंडम शेप्स बनाएंगी। टेप गाइड की तरह काम करेगी और स्प्रे पेंट से कलर करेंगे। हर सेक्शन को अलग कलर देंगे। ये बहुत अच्छा आर्ट बनेगा। अब बस टेप हटा देंगे। कैसा लगा? विश्वास नहीं होता, ये वही रग है, कमाल का लग रहा है। और इधर आओ। क्या बदलाव है? वो क्या ये वही रूम है? हमें बस फिनिशिंग टचेस देनी है। रूम के अंदर क्या है, इसे खोलो। अरे मुझे भी पता ही नहीं है इसमें क्या होगा, चलो देखते हैं। हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बहुत सुंदर दिखेगा। ओह, कितना बढ़िया है। मैं तो भूल ही गई थी मेरे पास ये सब है। सब रख दिया। अच्छा लग रहा है ना? हमने अच्छा काम किया। हालांकि मैं रूम से मैच नहीं कर रही। हाँ, उसकी चिंता मत करो। मैं सिर्फ रूम्स का मेकओवर नहीं करती। इसे हटा देते हैं। वो शुक्रिया, सब अच्छा लग रहा है। मुझे अच्छा लगा तुम्हें पसंद आया।
तुम्हारे रूम को क्या हुआ? मुझे एक और काम करना है। एक और। ये बॉक्सेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लगता है मुझे मिल गया। खैर छोड़ो। इनको तो बंद करना है ना? चलो टेप से करते हैं। कितनी स्टिकी है। मुझे ग्लासेस चाहिए। ये चलेगा? इसे एक बार और ट्राई करेंगे। मुझे समझ आ रहा है। मैं ये ले लूँ मॉम। लगता है पूरा हो गया। आप ठीक तो हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनकर अच्छा लगा। अब ये पूरा नहीं हुआ। मैं तो ये कब से कर रहा हूँ। क्या ये सब आपने किया मॉम? हाँ मैंने कोशिश की। बहुत अच्छा लगेगा। रुको। हे कैसे हो? ये लो। क्यों? मैंने सोचा पार्क में क्यों ना पिकनिक मनाया जाए। ठीक है स्नैक्स पैक कर लेते हैं। ये चलेंगे। मैं सोडा ले लेती हूँ। सब हो गया। अब हम जाने के लिए तैयार हैं। तो चलो बहुत मजा आएगा। लगता है घर में ही रहना होगा। और घर भी क्या सकते हैं। तुमने वेदर देखा? रुको बिल्कुल अच्छा नहीं है। आज का फोरकास्ट बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत सर्दी होने वाली है। बर्फीली। सच में बहुत ही ठंड होगी। वो दिखा दिखा लग रहा है। जो भी हो तो घर पर पिकनिक मनाए। मेरे पास ये बड़ी वाटर बॉटल है और मेरे पास लाइट्स। चलो काम शुरू करें। बड़ी वाटर बॉटल ले। इसका ढक्कन हटा दें। बॉटल के बाहर ग्लू लगाएं। बिल्कुल इसी तरह। थोड़ी कॉटन ले और उसे ग्लू पर लगा दें। ध्यान रहे ये अच्छे से चिपक जाए। और अब फेरी लाइट्स को बॉटल में डाल दें। अच्छा लग रहा है। शानदार है। बहुत रोमांटिक। कम से कम हम इस वेदर को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे आसपास हर चीज बिल्कुल बेरंग है। हाँ ये काउच कुशन में क्या हो रहा है? वो ये तो एक पॉपेट है और वो भी रेनबो के कलर्स का। बहुत सुंदर है और मजेदार भी। वो अब कुछ और हो रहा है। हे भगवान निकलो यहाँ से। ये क्या? यहाँ हो क्या रहा है? शायद मैं सपना देख रही हूँ। चुटी काट कर देखती हूँ। हेलो। हाय। हे भगवान तुम्हारे बाल तो बहुत खूबसूरत है पर मेरे अच्छे नहीं है। खैर उदास मत हो। हम तुम्हारी जिंदगी में भी रंग लाएंगे और पहले तुम्हारे बालों से शुरू करते हैं। मुझे नहीं पता। भरोसा रखो सब ठीक हो जाएगा। पहले तुम्हें इस पिंक कलर से सुंदर बनाएंगे। थोड़ा यहाँ पर येलो और ग्रीन भी। लो हो गया। बताओ कैसा लगा? अब मेरे बालों में स्ट्रीक्स है। अरे वाह पहले से अब काफी बेहतर लग रहा है। अब ये पूरा नहीं हुआ। ये देखो बस थोड़ी सी ग्लिटर का जादू। वो इसमें से चीजें भी निकलती हैं। हाँ बिल्कुल। अब हम तुम्हारे बालों में भी थोड़ी स्पार्कल डालेंगे। इस तरह के स्टार्स अच्छे लगेंगे और बाकी कलर्स पर इस तरह के जेम्स। ये एम्बर कलर ट्रायंगल्स बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब तुम चमक रही हो। इस तरह ये जेमस्टोन्स तुम्हारे बालों पर बहुत प्यारे लग रहे हैं। वाह अब मुझे बहुत बेहतर लग रहा है। अब मैं बिल्कुल उदास नहीं हूँ। हाँ सुनकर अच्छा लगा। पर मेरे कपड़े ये तो अभी भी बहुत ही बोरिंग है। अच्छा तो मैं उसका भी कुछ कर सकती हूँ। वो ये क्या हो रहा है? घबराओ मत ये यूनिकॉर्न मैजिक का हिस्सा है। बस ऐसे ही रहो। हे भगवान मेरे कपड़े बदल गए और ये करना मुश्किल भी नहीं था। पहले एक ब्लैंक टी शर्ट लेंगे और थोड़ा प्लास्टिक। आपको इसे बटरफ्लाई के शेप में काटना होगा और पेंट रोलर पर पेंट के अलग अलग कलर्स लगा दें। जो भी कलर चाहे वो लगा सकते हैं पर रेनबो बनाना हमेशा मजेदार लगता है। अब हम शर्ट को पेंट करेंगे। बस कटआउट सेक्शन के बीच में हम इस तरह पेंट लगाएंगे। हो गया अब प्लास्टिक को हटा देंगे और ये कमाल का लग रहा है ना? वाह यूनिकॉर्न तुमने तो इसे बहुत आसानी से बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इन कलर्स के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। पर तुम्हारी दीवारें तो बहुत बोरिंग है।
मुझे इसका भी कुछ करना होगा। अब इस जगह से निपटते हैं। हमें यहाँ जादू करने की भी जरूरत नहीं है, बस टेप को बिल्कुल सीधा चिपकाना है और इन दोनों के बीच में छोटे छोटे पीसेस भी लगाएंगे। ये एक ब्रिक पैटर्न जैसा लगना चाहिए और लगता है लग भी रहा है। यूनिकॉर्न देखो, ओह कितना प्यारा है, मुझे नहीं पता था ये ऐसा देखेगा, बहुत प्यारा है। पर अब हम अपना पेंट रोलर दोबारा इस्तेमाल करेंगे, अलग अलग कलर्स की बड़ी बड़ी स्ट्राइप्स बनाएंगे। मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है, करने में मजा आता है। अब ये लास्ट स्ट्राइप है, हम कोने तक पहुँच गए हैं। इसे कहते हैं रेनबो वॉल, और जब ये सूख जाए तो हम इस तरह टेप निकाल सकते हैं। टेप को उतारने में मजा आ रहा है, इसकी आवाज कितनी अच्छी है। हो गया, छोटे वाले पीसेस निकल गए हैं, कितना कूल है। अब हम बाकी की टेप भी निकाल देंगे। उतारो उतारो, देखो एवा, मैं एक ही बार में दो उतार रही हूँ। हो गया, अरे वाह, जैसा सोचा था ये तो उससे भी बेहतर है। एक खूबसूरत रेनबो ब्रिक वॉल। एवा तुम्हें कैसी लगी? हाँ बहुत अच्छी है, शानदार। ओह पर ये सोफा बोरिंग है, अगर हम इसे शायद मैं रुको, मैं जानती हूँ क्या करना है। एक्सक्यूज मी एवा डार्लिंग, मुझे अभी के लिए हटानी होगी। ओह तुमने ये कैसे किया, और काउच कहाँ चला गया? मैंने यूनिकॉर्न मैजिक इस्तेमाल किया है ना, अब जरा ये मुझे दो, मुझे बलून इस्तेमाल करना है। इसे बैग में डालेंगे, पर तुम मुझसे क्या चाहती हो? ओह बहुत आसान है, जरा ये बलून फुला दो। ओह हाँ मैं कर सकती हूँ, बहुत अच्छा कर रही हो, बुलाती जाओ और मैं इसमें लगाती जाऊंगी। हमें थोड़े बलून तो चाहिए ही होंगे, इतने सारे बलून, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। और बस अब हमें ये येलो वाला चाहिए। हाँ बस अब इसे बंद कर देते हैं और जरा सा यहाँ से खोल देंगे ताकि इसके ऊपर वैक्यूम होस फिट हो जाए। देखो ये इसमें से सारी हवा निकाल रहा है। अब ये हो चुका है तो हम कैप बंद कर देंगे। एवा देखो, अब मैं इसे बाकी बलून बॉक्स के साथ रख देती हूँ और तुम्हारे पास कलरफुल बलून्स का एक नया काउच आ गया। वाह मैं इसके ऊपर बैठ सकती हूँ? बिल्कुल, मैं भी आती हूँ। वाह कितना कॉम्फी है और बाउंसी भी, मुझे पसंद आया। रुको, पता है हम यहाँ पर लाइट्स चाहिए, इस ड्रेसर को हटाना होगा। चलो भी ये इतना भारी क्यों है? ठीक है बहुत हुआ, हमें पूरी मेहनत करनी होगी। एवा मैं यूनिकॉर्न मैजिक से हटा देती हूँ। वो शुक्रिया, अब इस कर्टन को यहाँ से हटाते हैं। बस बस थोड़ा सा और। एवा तुम बहुत प्यारी हो, लाओ मैं मदद कर दूँ। ओह शुक्रिया, मैं उलझ गई थी। तो हम कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि ये दोबारा हो ही ना, क्यों ना हम ऊन से शुरू करें। इस तरह मैं ऊन को अपने हाथ पर लपेटूंगी। हो गया, जब इतना हो जाए तो इसे फिंगर से निकाल लेंगे। अब बीच में थोड़ी और ऊन लपेटेंगे, बांध देंगे और एक कैंची लेंगे और कोनों को इस तरह काट देंगे। हर एक कटना चाहिए और इसकी एक पूंछ छोड़ देंगे। परफेक्ट, हमने ऊन से प्यारी सी पफ बॉल बनाई है। हमने जो बाकी कलर्स के बनाए हैं इसे उनके साथ रख देंगे। जो हमने धागा छोड़ा था उसके साथ ही इसे बांध देंगे, फालतू का हिस्सा काट देंगे। अब ये इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। तो चलो, मैंने तुम्हारी विंडो के लिए नए कर्टन्स बनाए हैं। प्यारे है ना, तुम्हें इन्हें देखकर अच्छा नहीं लगा? हर किसी का कलर और साइज अलग अलग है, धूप में ये बहुत प्यारे लगते हैं और इससे ये जगह और बढ़िया बन गई। मुझे पसंद आया यूनिकॉर्न, तारीफ करने के लिए शुक्रिया एवा। ओह लगता है यहाँ पर भी काम करने की जरूरत है, पर हमें यहाँ और कलरफुल बॉल्स काम आएंगी। यहाँ पर मुझे अपनी हॉट ग्लू की जरूरत पड़ेगी, बस बॉल पर थोड़ी ग्लू लगाकर इसे स्टूल पर चिपका देंगे। बाकियों के साथ भी ऐसा ही करेंगे, एक रेनबो पैटर्न बनाएंगे। तारा एवा देखो, मैंने तुम्हारे लिए स्टूल बनाया, तो तुम्हें फर्श पर बैठने की जरूरत नहीं है। वाह कितना आरामदायक है, शुक्रिया यूनिकॉर्न। और मैंने तुम्हारे लिए ये पिक्चर बनाई, तुमने मेरे लिए बनाई, बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है तुम्हें इसे यहाँ पर दीवार पर टांगना चाहिए या फिर यहाँ पर। एक सेकंड रुको, मुझे एक आइडिया आया है। पहले एक ब्लैंक कैनवस लेंगे और थोड़ी हॉट ग्लू, इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाएंगे। अब इसके ऊपर ऊन लगाएंगे और फिर अलग अलग कलर्स की और ऊन लगाते जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है हम अभी भी रेनबो ही बनाने वाले हैं। कैनवस के बिल्कुल आखिर तक इसे लगाते जाएंगे, बस ये ऊन का आखिरी हिस्सा है
और कैनवस पूरा हुआ और हम इसे अपनी बाकी आर्टवर्क्स के साथ लगा देंगे। वाह यूनिकॉर्न, ऐसा लग रहा है मैं म्यूजियम में हूँ। यहाँ पर कितने सारे आर्ट हैं, मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे खुशी हुई हमने इस जगह पर हर चीज रेनबो वाली कर दी, चाहे वो रेनबो वॉल हो या फिर ये काउच। और हाँ, आर्ट वॉल और विंडो कर्टन को हम कैसे भूल सकते हैं। बस एक दीवार खाली बची है। ओह, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें यूनिकॉर्न मैजिक करना होगा। एक बहुत जबरदस्त मंत्र, बस थोड़ी और शक्ति और ये देखो। यही है। ओह, वो इससे काफी बड़ा होना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम कुछ कर सकते हैं। हमें और शक्ति चाहिए होगी। हाँ हाँ, ठीक है, जैसा तुम कहो। ये रहा मेरा बाकी का जादू। ओह, एक कैसल प्ले हाउस, मुझे हमेशा से ऐसा कुछ चाहिए था। हाँ, अब ये पूरा नहीं हुआ, थोड़ी शांति रखो प्लीज। लगता है हमें इस मंत्र में कुछ और भी जोड़ना होगा, बस थोड़ी सी और शक्ति चाहिए। अरे वाह, आ गया, मैं कब से यही तो मांग रही थी। चलो जाओ अंदर। अरे वाह, तुमने मेरे लिए ये कैसल बनाया और ये तो मेरे साइज का है। हाय एवा, तुम्हारा कैसल कैसा है? बढ़िया, चलो वापस आ जाओ। मैं वापस आ गई और मुझे मेरा कैसल बहुत पसंद आया। हाँ, हमने तुम्हारे रूम को रेनबो मेकओवर दे ही दिया। हाँ बिल्कुल, पहले तो ये बिल्कुल बेरंग था और बहुत उदास। खैर, मुझे तुम्हारी मदद करकर खुशी मिली एवा, पर अभी एक और चीज बाकी है, बस ऐसे ही रहना। अरे वाह, मेरा भी हॉर्न होगा, मैं भी यूनिकॉर्न बन रही हूँ। हाँ, अब तुम बिल्कुल मेरी तरह यूनिकॉर्न हो। मेरा तो सपना पूरा हो गया, हम अब हमेशा के लिए यूनिकॉर्न सिस्टर्स हैं। मैं अपना यूनिकॉर्न मैजिक इस्तेमाल करके देखूं। ओह, जरा इसे देखो एवा, ये तुम्हारा पहला यूनिकॉर्न रेनबो है। वाह, हाँ, और मैं ये तुम्हारे बिना नहीं कर पाती, और मेरा यहाँ काम पूरा हुआ। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। ओह, वो चली गई, पर मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। बाय। अब मैं आराम करना चाहती हूँ। तुमने कुछ कहा? गहरी सांस लो, कोई बात नहीं, बस थोड़ा बैक पेन है। तुम ठीक तो हो? तुम मेरी मदद कर सकते हो। मेरी गलती है, ये फर्श कितना गंद मचा रखा है। हाँ तो देखो। सॉरी, मेरा सबसे अच्छा स्पॉन्ज। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ये मेरी गलती नहीं है। बहुत हुआ, मैंने बहुत सह लिया, ऐसा मत करना प्लीज। नहीं, तुम्हें सफाई करनी होगी अभी। ये बहुत गलत बात है। खैर, मैं शुरू करता हूँ। सफाई शुरू करते हैं, तुम यहाँ जाओ। ध्यान से लिटिल डक, मुझे तुम्हारी बात टाइम में जरूरत है। क्वाक क्वाक। इस सोप से मुझे एक आइडिया आया, मैं इनमें से एक स्पॉन्ज लूंगा। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। दो एक्सफोलिएटिंग स्पॉन्जेस ले, उन्हें छोटे पीसेस में काटे, बोल में सोप डाले और उसे मेल्ट कर ली। थोड़ी सी फूड डाई, इसे अच्छे से मिलाएं। ध्यान रहे कि डाई अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा लग रहा है। स्पॉन्जेस को कुकी मोल्ड में रखें। अब इस पर सोप मिक्सचर डालें और ध्यान रहे कि ये पूरा कवर कर लें। और अलग इफेक्ट्स के लिए कलर डाई इस्तेमाल करें। जब ये हो जाए तो बस हमें सोप को सेट होने का इंतजार करना है। ये अच्छा लग रहा है, मैंने यहाँ टांग देता हूँ। ये कमाल है, और अब सोप घूमेगा भी नहीं। ये जगह साफ होनी चाहिए, अगर नहीं हुई तो। हाय मॉम। बुरा नहीं है, ये देखो। वाह, आप इसे नहाकर इसे ट्राई क्यों नहीं करती? तुम कितने तेज हो मेरे प्यारे बच्चे। जाना मुश्किल होता है, खासकर जब आपको सब खुद ही डेकोरेट करना पड़े। आपको एलेक्स और लूना के नए घर का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।